आज हम दाल चावल से और सब्जी से बनाएंगे ऐसी रेसिपी जिसको आप देखते ही झटपट बनाएंगे और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है जो कि साउथ इंडियन डिश है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने ले लिया चावल, ये 1 से 1.5 कटोरी हमने चावल ले लिया है जिसको धुल के साफ कर लिया है अच्छे से। इसको हम डाल देंगे कुकर में। बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। अब इसमें हम लेंगे कुछ सब्जी, तो जो आपको पसंद हो आप अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं। मैंने बीन्स, गाजर और मटर, आलू कट करके ले लिया है। और लेंगे 1 कटोरी तुअर का दाल। तुअर दाल बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने 1 कटोरी से ज़्यादा हमने चावल लिया था, तो हम 1 कटोरी भर के इसमें दाल लेंगे। और डालेंगे अब पानी। पानी थोड़ा हम ज़्यादा ही डालेंगे ताकि अच्छे से सब्जी और चावल पक जाए। तो देखिए, पानी हमने डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, तो हमने आधा चम्मच नमक डाल दिया है। और डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और इसको मिला लेंगे। और इसका ढक्कन बंद करके 3 से 4 सीटी तक आने तक पका लेंगे हम, ताकि चावल सब्जी अच्छे से पक जाए। तो चलिए, रखते हैं इसको गैस पे पकने के लिए। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप बच्चों को खिलाइए डिनर में, लंच में, बहुत ही पसंद आएगा। तो तब से चावल पक रहा है, हम तब से तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो हमें 2 चम्मच डाल दिया है देसी घी, और उसमें डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, ताकि घी हमारा जले ना, तो उसको गर्म हो जाएगा। तो हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा सरसों के दाने आधा चम्मच, और 2 से 3 सूखी लाल मिर्ची, और 5 से 6 करी पत्ता डाल के हम तड़का लगाएंगे। और फिर डालेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है हमने, जिसको कट कर लिया है, डाल के अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अगर आपको मूंगफली पसंद है तो आप मूंगफली भी डाल सकते हैं यहीं पे। तो देखिए, 2 से 3 मिनट हो गया है, प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया है, क्योंकि ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। अब हम डालेंगे इसी समय पे, 2 से 3 मिनट के लिए हो गया है, तो लहसुन और अदरक का हमने दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। तो हम लहसुन और अदरक का दरदरा सा पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच भर के। इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इस रेसिपी में। तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही नई रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिए, साउथ इंडियन डिश है। तो देखिए, पक गया है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा मसाले। तो हमने लिया है 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और 1/2 चम्मच डालेंगे हम हल्दी पाउडर। फिर हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। तो हमने 3 टमाटर ले लिया था मीडियम साइज के, इसका हमने पेस्ट बना लिया है, देख लीजिए। और इसको डाल के अच्छे से हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे टमाटर को। तो देखिए, कोई भी ज़्यादा मसाला नहीं डाल रहे हैं इसमें हम, बहुत ही अलग तरीके का बनाएंगे, जो कि बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाला है। तो देखिए, 2 से 3 मिनट हो गया है हमें पकाते हुए। मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे टमाटर को, ताकि अच्छे से पक जाए। आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं इस रेसिपी को। तो देखिए, हमने ले लिया है 2 से 3 गिले भात का पाउडर। तो इसको हम डालेंगे 2 चम्मच भर के इसके अंदर। ये पाउडर आप ज़रूर डालिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अगर आपके पास ये पाउडर नहीं है तो आप इसमें 2 चम्मच भर के गरम मसाला डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसको भी मिला के 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे अच्छे से, ताकि मसाला भी पक जाए। तो देखिए, मसाला हमारा कितने अच्छे से पक गया है, 2 से 3 मिनट हो गया है। इसमें हम डाल देंगे जो चावल दाल को हमने पका के रखा था, तो वो देखिए पक गया है, इसमें डाल देंगे। तो बिल्कुल हमें गलाना नहीं है एकदम से। तो देखिए, हमने मिक्स कर लिया है, अब डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो मैंने गर्म पानी डाला है, गर्म पानी डालने से जल्दी से उबाल आ जाता है। और थोड़ा सा डालेंगे नमक, नमक ध्यान से डालें, क्योंकि हमने पकाते समय भी नमक डाला था। तो इसको मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से हम इसको पका लेंगे, ताकि अच्छे से पानी जो डाला है वो भी और पक जाए। तो देखिए, 2-3 मिनट हो गया है पकाते हुए हमें, और हमारा इसे भीरे भात बन के रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया, तो बहुत ही टेस्टी आता है। आप इसको बना के लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में बना के खा सकते हैं। तो देखिए, बीसे भीरे भात हमारा बनके तैयार हो गया है। इसको एक तरह से मसाला खिचड़ी भी बोल सकते हैं आप, बहुत ही अलग तरीके की रेसिपी है। तो गैस को बंद कर देंगे,
और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।